पक्ष में कानून बने और उन्हें सुरक्षा संरक्षण मिले, तो जो संरक्षण आप ईश्वर से अल्लाह से सोचते हैं कि मिलेगा, वही संरक्षण आपको सदन के भीतर कानूनों से मिलता है। इसलिए सदैव जब भी हमारी यहाँ उपस्थिति होगी स्वाभाविक इसी वेशभूषा परिवेश में होगा। जयराम, 24 विधायकों वाली एनडीए को कमजोर कहा जा रहा है, मुद्दों के साथ मैं हमेशा प्रखर रहूंगा और उनके सदैव साथ खड़ा रहूंगा। जयराम जी, आपने अभी कानून की बात की, लेकिन कल से एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आप किसी नाजिर को बोल रहे हैं कि पटक के मारेंगे। आप कानून बनाने वाले आदमी हैं, अब आप विधायक हैं, ऐसी भाषा क्या आपको सही लगी? बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं मानता हूं कि ऐसी भाषा बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस विषय को भी जानना होगा कि एक नाजिर जो कि सरकारी नौकरी करता है उसे कई हजार रुपए तनख्वाह मिलती है और एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपए घूस लेता है। जब उसको हम फोन करते हैं 3 बार फोन को काट देता है, बोलता है हम बाहर में, तो स्वाभाविक एक मानवीय प्रतिक्रिया होती है। अगर यहाँ वे लोग ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य को करेंगे तो किसी को ना अपना व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, ना भाषा में कड़वाहट लाने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल तो यही है ना जयराम जी की, कानून व्यवस्था देखने का काम तो किसी और का है, अगर आप इस तरह से धमकी देंगे तो कैसे? आपको मेरी धमकी दिखी, उन गरीबों का शोषण नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखता है? आपको मेरी धमकी दिखी, मैंने उनको कहा आपको तकलीफ लगा, उन्होंने 10,000 रुपए घूस ले लिया, किसी को तकलीफ नहीं लगा? तो संविधान की शपथ लेने वाले जयराम कानून से चलेंगे या कानून तोड़ेंगे? आगे सामने वाले पे निर्भर करता है, 100 में से एक मिस्टेक होगा। जयराम जी आपने संविधान का शपथ लेने वाले जयराम जो है संविधान से चलेंगे या धमकी से चलेंगे? संविधान से भी चलेंगे और जहां एग्रेशन की आवश्यकता होगी एग्रेशन से चलेंगे। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस, चाहे पार्लियामेंट्री हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। और हम लोग तो हमारी आस्था जो आस्था खेतों के प्रति है वही आस्था इस सदन के प्रति होगी, क्योंकि सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ हर लोग अधिकार को फसल का होगा, फसल जयराम एनडीए 24 सीटें लाई उसको कमजोर कहा जा रहा है, अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? देखिए मेरा मानना है कि कुछ नहीं आ रहा है, एक रहे चाहे 100 रहे, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूंगा वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे, तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों पर रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उनपे भारी पड़ रहे, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए अभी ये मेरा पहला दिन है, जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद मैं पहुंचकर बात करूंगा। सीट पे लड़ रहे हैं हम, तो सड़क में लड़ रहे हैं, हम तो सड़क के बाहर भी लड़ रहे हैं, तो एक सीट से हम लड़ेंगे। की आवाज जो बार बार करते रहे सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं सत्ता से होगा। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए ये तो सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है, और हमारी जनता जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पर निर्भर करता है।